रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही हो और उसमें मिल जाए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तो मज़ा ही आ जाए। और अगर वो ब्रेड पकौड़े बिना तले हुए हों, बिल्कुल हेल्दी स्टाइल में, तो फिर तो चार चांदे लग जाएंगे। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़े, वो भी बिना तले। तो ये होंगे हेल्दी भी और टेस्टी भी। आप इन्हें स्नैक की तरह भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है। ये नॉर्मल बेसन है जो हम अक्सर घर पर यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे छान कर ले लीजिए या फिर इस तरह से एक विस्क की हेल्प से इसकी गुटलियों को तोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गुटलियाँ होती हैं, उन्हें इस तरह से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को आप इस तरह से हथेलियों में रगड़ के डालें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। करीब एक छोटा चम्मच अजवाइन है ये। और साथ ही अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। ये सेंधा नमक है इसलिए शायद आपको ज़्यादा लग सकता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ। इन मसालों को भी हम इस बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसका एक पेस्ट रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको विस्क करते रहेंगे। याद रहे आपको सारा पानी एक साथ नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी एक बार में डाल देंगे तो क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, और जब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो खाते टाइम उसमें वो सूखे बेसन की गुठलियाँ आती हैं, जो खाने में बिल्कुल ही बेकार लगती हैं। तो ध्यान रहे आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका पेस्ट रेडी करना है। तो देखिए, मैंने इसका एक स्मूथ घोल रेडी कर लिया है। अगर आपको मैं चम्मच से दिखाऊं तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ये। अगर हमारा घोल बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो ब्रेड को अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब मैं यहाँ पर इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और 10 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च, शिमला मिर्च, वो सब भी डाल सकते हैं। और इन्हें भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो अब हम ब्रेड लेंगे। यहाँ पर मैंने होल व्हीट ब्रेड ली है, आप नॉर्मल सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसे हम इस तरह से बेसन में कोट कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेना है आपको। और इसे हम प्लेस कर देंगे हमारे गर्म तवे के ऊपर, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है ताकि अच्छे से पक जाए। और जब ये एक साइड से पक जाएगा तब हम इसे फ्लिप करेंगे। आप चाहें तो फ्लिप करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी ड्रिजल कर सकते हैं, और इसे अलट पलट करके हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इस बैटर से आपके ब्रेड के 3 स्लाइस पूरे अच्छे से कवर हो सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इस पर, और हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स में कट कर रही हूँ। कभी कभी मैं इसे 4 पीस में, छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर लेती हूँ, खाने में बहुत ईजी होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया है, वो भी बिना फ्राई किए। तो अब आप भी बिना किसी गिल्ट के ब्रेड पकौड़ा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ को नुकसान नहीं देगा, उल्टा ये प्रोटीन रिच है। तो एंजॉय कीजिए इस मॉनसून ब्रेड पकौड़ा हेल्दी वे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और इसे ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।